इसराइल की सफाक सिक्योरिटी फोर्स को फलस्तीनियों का खून बहाने के लिए मिली हुकूमत की परमिशन। इसराइली पीएम लॉपेड ने कहा, अगर इसराइली पुलिस एहलकार को महसूस हो खतरा तो उसे फायरिंग का है हक। यूक्रेन ने किया अमेरिकी मिसाइल हिमारस का सहारा लेकर रूस पर मुमकिन हमले का दावा, तो रशिया ने किया खबरदार। साबिक रूसी सदर दिमित्री मेदवेदोव ने कहा, बिला झिझक यूक्रेन पर बरपा करेंगे कयामत। तेहरान में मिल रहे रूस, ईरान और तुर्किया के सदूर। रूसी सदर पुतिन ने की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई से मुलाकात, बाहमी ताउन को बताया नागुजीर। नुपुर शर्मा को कत्ल करने के इरादे से भारत में घुसे 24 साल पाकिस्तानी शहरी रिजवान अशरफ को किया गया गिरफ्तार। पैगंबर इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरा करने से था नाराज। एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मोदी हुकूमत पर उन्होंने लगाया बेरोजगारी और चाइल्ड लेबर पर डेटा छुपाने का इल्जाम, कहा भटकाने वाले मुद्दों पर ही बात कर रही है बीजेपी। और यूपी की योगी सरकार में फूट के आसार, रियासती वजीर दिनेश खटेक ने इस्तीफा अमित शाह को भेजा, दलितों को मुनासिब इज्जत न मिलने का लगाया इल्जाम।